रक्षाबंधन का आज त्यौहार है और इस पर प्रदेश और साथ ही देश में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। तो ही बात अगर खाकी की हम करें तो हर त्यौहार की तरह इस पर्व पर भी पुलिस सड़कों पर हिफाजत के लिए खड़ी नजर आई। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अधिकांश महिला पुलिसकर्मियों को राखी के लिए रेस्ट भी दिया गया। तो वहीं सिंधी कैंप थाना प्रभारी गुंजन सोनी अपने कर्तव्य के प्रति सजग नजर आई। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर सजगता से ड्यूटी करती थाना प्रभारी गुंजन सोनी ने बताया कि महिलाएं अपने अपने गंतव्य स्थलों पर जा रही है और ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी महिलाओं के प्रति वैसे ही बढ़ जाती है। थाना प्रभारी गुंजन सोनी से इस दौरान खास बातचीत की संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। रक्षाबंधन का पावन पर्व है, भाई बहन के अटूट रिश्ते का एक त्यौहार है। अगर बात करें जयपुर शहर के सिंधी कैंप की तो सिंधी कैंप में फिलहाल सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि बहनें अपने भाइयों के गांव जा चुकी है, अपने अपने घर जा चुके हैं। अगर अस्पतालों की बात करें तो तमाम नर्स अभी रेस्ट पे हैं, कुछ जो इमरजेंसी सेवाओं को लेकर अन्य जो महिलाएँ हैं वो छुट्टी पर है। लेकिन अगर थानाधिकारी की बात करें तो आश्चर्य होता है कि थानाधिकारी वही महिला होकर ड्यूटी पर, सिंधी कैंप थानाधिकारी गुंजन सोनी। मैडम शुभकामनाएं आपको रक्षाबंधन की। धन्यवाद आपको भी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आज त्यौहार रक्षाबंधन का, आप भी अपने घर पे, इच्छा होती होगी आपकी भी, लेकिन आप फील्ड में वर्तमान में कुछ समझ के परे। देखिए आपने जैसे कहा कि इच्छा होती होगी, तो इच्छा तो मानवीय स्वभाव है और हम महिला हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार जितना हमारा है उतना आपका भी है, आप भी फील्ड में हैं, तो जाहिर सी बात है कि कर्तव्य प्रधान है, काम भी करना है, घर भी संभालना है, त्यौहार भी संभालने हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। भाई हैं, दोनों दो भाई हैं मेरे, दोनों आए हुए हैं, घर पे वेट कर रहे हैं। क्योंकि अब जैसा कि हमारी संस्कृति में मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं, तो थोड़ा घर वालों ने बताया कि सब शाम को करेंगे, तो बोले ठीक है जब तक खाना संभालते हैं। मैडम एक सुबह बारी भीड़ थी महिलाओं की, आपका अच्छा जाप्ता रहा, आपकी अच्छी व्यवस्था रही, अब शाम को दोबारा से भीड़, उसके लिए किस व्यवस्था है? उसके लिए व्यवस्था यही है, इसीलिए हम लोग अभी राउंड पे निकले हैं। लगभग एक घंटे पहले तक इतनी चहल पहल भी नहीं थी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सौगात दी है, तो कल रात को भी अच्छी भीड़ थी महिलाओं की, और अब वापस से आना स्टार्ट हो गया है, तो ये भीड़ रहेगी और रात तक बढ़ेगी। तो उसके लिए हमारे थाने स्तर पर और सर्किल स्तर पर अधिकारियों से जाप्ता हमने मांगा हुआ है, जो हमें मिला है, जिसको जगह जगह पर हमने सिविल में और वर्दी में तैनात किया हुआ है। रात को घटना हुई जिसमें दोबारा आप घर से वापस जाना पड़ा, उसके अंदर भी आपके हाथ पे चोट लगी, कुछ घटना हो जाना चाहिए? वो छोटी मोटी चोट है, जब अपन कहीं बीच बचाव करते हैं, किसी को समझाइश करते हैं, तो ऐसी छोटी मोटी छुटपुट चोटें आ जाती हैं। अब जैसा आपने कहा रात को घर से आना, तो हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी के लिए तैनात रहते हैं, उसमें रात और दिन मायने नहीं रखता, इसलिए आना पड़ा। गुंजन सोनी वाला के कहते हैं लेडी सिंगम के नाम से ही मशहूर है, पहले भी कई थानों के अंदर थानाधिकारी रह चुकी है, लेकिन सिंधी कैंप की बात करें तो सिंधी कैंप में एक वर्तमान के अंदर काफ़ी अधिक जिम्मेदारी वाली ये पोस्ट है, क्योंकि पूरे जयपुर शहर की, राजस्थान की जो बसें यहाँ पर आती है, पूरे राजस्थान से जो यात्री है वो यहाँ आते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन जिस प्रकार की जिम्मेदारी ये देखते हैं, उसे लगता है कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति ये काफ़ी सजग है। उम्मीद करते हैं गुंजन सोनी जैसी मजबूत और काफ़ी साहसी पुलिसकर्मियों देखते हुए जो महिलाएं होती हैं घरेलू महिला, उनको भी शायद इनसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मेरे साथ सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।